जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे अगले चैप्टर में माध्यिका, माध्यांक या तथा बहुलांक। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्यिका की परिभाषा क्या है। माध्यिका या जिसको हम माध्यांक भी बोलते हैं और इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, तो इसको परिभाषित करने के लिए गैरेट ने बताया कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। मतलब कि कोई भी आंकड़ा है या माप है वो एक क्रम में हो और उसके बीच वाला जो अंक होगा, उस पूरे आंकड़े का जो बीच का अंक होगा, मध्य का अंक, वो क्या होगा? मध्यमान होगा या मध्यांक होगा, या उसी को माध्यिका कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बीच का अंक मतलब बीच का, 1, 2 तीसरा पद, इधर से तीसरा पद, ये बीच का अंक हुआ। तो बीच का अंक क्या होगा? मध्यांक होगा। 3 इसका क्या हो गया? मध्यांक। जैसे ये है 7, 9, 11, 13, 15। अब ये सीरियल होना चाहिए, आप 15 को पहले नहीं लिख सकते, छोटे से बड़ा मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर ये उल्टा सीधा भी दिया रहेगा तो आप सीधा करके ही लिखेंगे। तो 7, 9, 11, 13, 15, इसका मध्यांक क्या होगा? इसका भी टोटल 5 पद हैं, तो तीसरा पद क्या होगा? 11। इसका माध्यिका क्या होगा? 11। आगे जब हम आपको बताएंगे सवाल तो सॉल्व कराएंगे, अभी बस एक एज एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मतलब गैरेट ने क्या बताया कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, क्रम में व्यवस्थित हो गए तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। ठीक है, अब ऐसे ही होता है बहुलक। बहुलक क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। इसका परिभाषा किसी अंक वितरण में, मतलब किसी अंक के वितरण में वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है, सबसे ज्यादा बार होती है, वह क्या होता है? बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 2, 2, 1, 4, ये है आपका अंक वितरण है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है? एक कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2, 1, 2 तीन बार आया, 3 एक बार आया, 4 एक बार आया। तो हम देखेंगे कि 2 हमारा 3 बार आया है, तो 3 बार आया मतलब ज्यादा बार आया, ज्यादा बार आया मतलब इसका बहुलक इस वितरण का क्या होगा? 2 होगा, बहुलक हमारा 2 होगा। इसी तरीके से हम आगे समझेंगे। अब आगे देखते हैं हम इसका, इसे शॉर्ट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। आगे हम इसका प्रैक्टिस करेंगे सवाल। आगे जो है आपका मध्यांक निकालने में दो तरह के सवाल आएंगे, एक तो जिसमें संख्या पदों की जो होगी वो सम होगी, एक जो होगा जिसमें विषम होगी। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, पहला टाइप क्या हो? विषम हो, संख्या विषम हो। ठीक है, जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो हमारा माध्यिका कैसे निकलेगा? माध्यिका बराबर फॉर्मूला हो है n+1/2 वां पद। ठीक है, जहां यन क्या है? पदों की संख्या, जैसे विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे 9 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 2, 7, 10, 11, 13, ये आपका एग्जाम्पल है। तो पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या हमारी हो गई 5। अब क्या हम देखेंगे कि
कि अगर ये आपका आरोही क्रम में है तब तो ठीक है, नहीं तो अरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। अगर ये आपका 7, 11, 13, 10, 2 ऐसे रहता तब भी हम इसको आरोही क्रम में करके तभी सॉल्व करते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका माध्यिका निकालिए। माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है, हम जानते हैं पद की संख्या 5 है, 5 एक विषम संख्या है, इसलिए माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद, n+1/2, n क्या है? 5 है, तो 5+1/2 वहाँ पद, ठीक। तो 5 1 6 हो गया, 6/2, 6/2 वहाँ पद। अब इधर देखिए, 6/2 मतलब तीसरा पद, माध्यिका बराबर थर्ड पद, तो तीसरा पद अब किसमें देखेंगे? जो हमारा आरोही क्रम में है उसमें, तो 1 2 3 शुरू से शुरू करेंगे सबसे पहले से, तो तीसरा पद हमारा हो गया 10, ये हो गया हमारा आंसर। तो माध्यिका हो क्या हो गया इस सवाल का? 10। इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। ये तो तब हो गया जब आपके आंकड़ों की संख्या विषम हो। अब जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है तो, अगर संख्या फिर विषम होगी तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। आपको आराम से, आसानी से, धीरे धीरे सीखते जाना है, ज़्यादा बोझ नहीं लेना है, ठीक है। जब पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। जो पदों की संख्या विषम हो था, अब क्या है? जब पदों की संख्या सम हो, क्या हो? सम हो, ठीक है। जब पदों की संख्या क्या हो? सम, सम मतलब इवेन नंबर, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। तो इसका इसके लिए इस फार्मूला क्या है? माध्यिका, माध्यिका को हम लोग माध्यांकी बोलते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर होगा n/2 पद प्लस n/2+1 पद बटा के कुल के बटे सबके बटे 2, ठीक है। n/2 पद, n/2+1, n+1 नहीं है, n/2+1 पद बटा के 2। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सवाल देख के पद की संख्या गिन के ही आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इस एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 7, 10, 12, 15, हम 17, 19। अब इसको हमने सीरियल में ही लिखा है, अगर ये सीरियल में नहीं होता तो भी आप इसको आरोही क्रम में करके ही लगाते, 7, 10, 12, 15, 17, 19। अब पदों की संख्या कितनी है काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पदों की संख्या 6 है। अब 6 एक हमारी क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है n/2 पद, मतलब 6/2 पद प्लस 6/2 प्लस n/2+1 है ना, तो 6/2+1 पद, अब कुल के बटे कितना होगा? कुल के बटे 2। अब इसको सॉल्व करिए, 6/2 मतलब तीसरा पद, तीसरा पद हुआ 2 3 6 ना, तो तीसरा पद क्या है? 12 है। 3, 6/2, 3+1 चौथा पद, चौथा पद क्या है? 15 है। 3+1 4 है होगा ना, तो चौथा पद क्या है? 15 है बटा के 2। अब 12 15 कितना होगा? जोड़ेंगे तो 27 होगा। अब 27 में 2 का भाग दीजिए, 27 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13.5, 13.5 ही हो गया आपका माध्यिका। आपका सवाल हो गया सॉल्व। सम संख्या रहेगा तो 27 में 2 का भाग देंगे तो 13.5 आएगा। इसी तरीके से आपको सवाल आगे भी सॉल्व करने हैं। जब बस ध्यान क्या देना है
अगर आरोही क्रम में है तब तो सॉल्व तुरंत करेंगे उसी पे पद की संख्या गिन के। अगर आरोही क्रम में नहीं है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटे से सबसे बड़ा तक, तो आप आरोही क्रम में करके तब सॉल्व करेंगे। और आरोही क्रम में जो किए रहेंगे मान, उससे आप जो भी दूसरा चौथा पद जो भी करना है ऐड करना है जहाँ पे, तो उस वाले आरोही क्रम में जो रहेगा उस वाले आंकड़े से लेंगे, न कि जो आरोही क्रम में नहीं उससे नहीं लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। आपको घबराना नहीं है, आराम से छोटे छोटे सवाल लेके सॉल्व करते जाना है। और इस चैप्टर में मध्यमान और बहुलक में इजी सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है, आपको धीरे धीरे करते जाएंगे हो जाएगा। ठीक है, बस लोग थोड़ा सा भागते हैं कैसे होगा, लेकिन कुछ है नहीं, कुछ सिंपल एकदम है, इसमें ज़्यादा गुड़ागरी है ही नहीं। अब हम देखते हैं बहुलक के बारे में कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि बहुलक जो होता है वह क्या होता है, वह मान होता है जो, जिसको मोड बोलते हैं, इसकी पुनरावृत्ति आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार होती है। अब इसके लिए कोई आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं, कोई फार्मूला विशेष नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल देख लीजिए समझ में आ जाएगा कैसे करना है। जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए 5 2 3 7 5 2 5 7 1। अब इसको आरोही या अवरोही बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको देखना है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया। अब देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 बार, 1 1 बार आया, 7 2 बार आया, 3 1 बार आया। अब 2 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 बार आया। 5 देखिए, 1 2 3, तो 5 हमारा 3 बार आया, जो 3 बार सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 5। आपको बस देखना है कि कौन सी संख्या, कौन सा नंबर, कौन सा मान, कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार सवाल में आया है, क्वेश्चन में आपके, वही आपका उसका बहुलक। बहुलक मतलब बहुत बार आया हुआ अंक, बहुलांक भी बोलते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा बार जो अंक आएगा वह आपका बहुलक होगा। तो इस चैप्टर में आपको सवाल ऐसे ही सॉल्व करने हैं, आराम से करते जाइएगा, हो जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही।